चलो पता लगा। देखिए ये सो के उठ रहे हैं अब, मतलब ये कोई वक्त है? टाइम हो रहा है डेढ़ बज रहे हैं और ये अब जाके उठे। ये देखिए, और ये मेहता जी। हाँ भाई, इतना टाइम लगता है? हाँ इतना ही लगता है। तो हाँ रात को थके भाई सब। भाई गाड़ी चलाई एक तो तूने चलाई? हाँ सपनों में चलाने वाले तो एक ही था, मतलब हमारे पास दो थे, एक तो बाहर चला गया और एक ये रहा। जापान अब बंकर पकड़। तो भाई आज का दिन कुछ ऐसा है, मतलब प्लान कुछ था नहीं आज को ब्लॉग करने का, बट हमने सोचा क्यों आज खाली बैठे, क्यों हम दिन पर बात करें अपन, क्या घूम ही आते। तो भाई अभी हम कहाँ पे हैं? हेलो, हाँ मैं छतरी फोर्ट पे, डोंगा वाली छतरी फोर्ट, डोंगरी जो भी है डोंगरी। डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा नीचे क्या है, नाम ढंग से याद नहीं क्योंकि डोंगरा डोंगरी में कंफ्यूज हम, बट अच्छा यहाँ से व्यू दिखाऊंगा अगर आपको। एक मिनट दिखाते हैं, मतलब फुल सनसेट पॉइंट है, मतलब यार ये देख रहे हो पीछे तक, मतलब फुल पावर, किले। और यहाँ से तो भाई साहब सामने दिखाऊंगा लगता है पूरा डेजर्ट लगेगा, देख रहे हो बढ़िया जगह है फोटोशूट के लिए। और अगर आपको मतलब यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, सनसेट पॉइंट देखना है, मतलब सनसेट के टाइम पे और मज़ा आता है यहाँ पे। मतलब अभी तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि एक जगह और जाना है हमें। कौन सा तालाब है? गढ़ीसर लेक है भाई, गढ़ीसर लेक, वहाँ पे भी जाना है अभी। सो वहाँ पे आधा पौना घंटा रुकेंगे, थोड़ा फोटोशूट करेंगे और फिर वहाँ पे जाएंगे लेक के पास, वहाँ पे थोड़ा इन्जॉय करेंगे। अभी लौंडे हमारे बिजी हैं कैमरे के साथ, कुछ ज़्यादा ही लोकेशन सेट कर रहे हैं कि कहाँ से, जहाँ से फोटो हमें अच्छी मिल पाए और इंस्टाग्राम। ओके, और तब तक हम एंजॉय करते हैं यहाँ का व्यू, दिखाते हैं थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट के साथ। Thank you.
तालाब में, और यहाँ हमें मिले हैं संजय भाई, जो हमें इसके बारे में बताएंगे, मतलब इसका राज क्या है इसके पीछे। संजय भाई कुछ पेश हो जाए इसके बारे में, है क्या ये है? सर घड़ीसर लेक है सर, यहाँ पर बहुत साल पहले राजा ने यहाँ पर फ्लोट बनाई थी, फ्लोट के नाम है टीलों की फ्लोट। इसमें क्या है सर, ये लेक है ठीक है, इसके अंदर पानी वगैरह बोटिंग वगैरह होती है। मेरे 2 साल पहले यह नहीं होता था, इसको करीब 2 साल हो गए। यहाँ मैंने सुना कि सनसेट भी अच्छा होता है, सनसेट बहुत अच्छा होता है सर जी। यहाँ पर क्या है पहले ऊपर सनसेट दिखा जाता था यहाँ पे ठीक है, इसके ऊपर सनसेट दिखा जाता था, तो इससे यहाँ से क्या बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, वहाँ पर ऊपर जाके सनसेट लोग देखते हैं। बट ये है कि आज हम लेट हो गए, अंधेरा हो गया, सनसेट भी देख पाए। सुबह का टाइम सही रहेगा सनराइज को? चलो क्या है संसार के सबसे नगरी बोलते हैं। चलो संजय भाई शुक्रिया मतलब बताने के लिए, और आते रहेंगे बिल्कुल मिलेंगे। गाइस डे, सो गुड आफ्टरनून गाइस, डे 2 इन जैसलमेर। सो मतलब आपको अजीब लग रहा होगा कि भैंस रेस्टोरेंट में मतलब ऐसे हमारा ऐसे कहानी ऐसी है कि हम निकल रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए, हमने कैंप बुक किया है, एग्जॉटिक कैंप। हाँ मतलब देखा उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, मतलब वीडियोज देखी है, तो वहीं जाएंगे हम, पहले थोड़ा रेस्ट करेंगे। मतलब शक्ल तो ऐसी हुई पड़ी है, पूरे मिड डे की हुई है, नाए भी नहीं है पूरे, ऐसे भी नहीं, ऐसे निकल गए फटाफट, वहीं जाके नहाएंगे, वहीं जाके नहाएंगे धोएंगे। बिल्कुल, सो अभी कुछ खाना है कि मतलब ब्रेकफास्ट जो जो शक्लें खराब हो कुछ भी हो, बट इसका स्वैग नहीं खत्म होता, वो तो है। बाकी हाँ खाना बोल रहा है अच्छा, रेस्टोरेंट सत्कार रेस्टोरेंट, मतलब आओ तो यहाँ पे खाना बहुत अच्छा, मतलब कोई राजस्थान में जितना भी जैसे मैंने अभी खाया उससे बढ़िया यहाँ पे खाना है। अभी हमने छोले भटूरे, छोले भटूरे बनाया, पूरी आलू लस्सी सबसे मेन, बाहर में एक कलर का चाय, बाहर में कड़कती भड़कती धूप हो रही है और इसका चाय और ये चाय खत्म नहीं हो रही, चाय खत्म। चलो फिर जल्दी है, भर के खाने के बाद बात करते हैं आगे दिखाते हैं और खाने का भी एक्सपीरियंस होता है। थोड़ा और दिखाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे रात को, कल्चर हमारे तो खुल रही है बाकी डेजर्ट के मजे लेंगे रात को, और फोटो शूट हाँ जुड़े रहो अभी या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो। हाँ तो भाई अभी जा रहे हैं हम डेजर्ट सफारी के लिए, सो अभी बीच में एक हॉल्ट लिया है, मतलब कुछ भाई मिले हुए हमें, मतलब पीछे मतलब लोकल बंदे हैं आगे अपने, तो मतलब इन्हीं से अपना पैकेज कराया, पैकेज हो गया, पैकेज जिसने कराया उससे एक बारी बताए थे कि हम हमने क्या किया। भाई इधर आओ, भाई का नाम क्या है? जीप राइडिंग और कैमल राइडिंग, कल्चर प्रोग्राम, नाइट स्टे, डिनर और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और प्रोग्राम में क्या क्या मिलेगा इसमें? कल्चरल गरबा, राजस्थानी डीजे पार्टी, मतलब बहुत मजा आने वाला है, मतलब एक्साइटमेंट हुई है, मजा आ रहा है भाई लोग, राजस्थान मतलब डेजर्ट पूरा देख लें, अब डेजर्ट अब रुका, मतलब रुका नहीं जा रहा, एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो रही, मतलब गाड़ी चला के डेजर्ट देखे उतने बढ़िया, मतलब लोकेशन इतनी बढ़िया ना, मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी, स्टार्टिंग हो चुकी है पूरी डेजर्ट की।
मतलब फुल मजा आ रहा है भाई साहब। चलो आगे मिलते हैं। ओके आगे वी आर इन कैंप। तो भाई मैदा कैसा लग रहा है? बढ़िया कैंप मिल गया एक तो। कैंप बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब एक तो स्पेस भी बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बेड है, फुल स्पेस है भाई। मतलब शक्लें इतनी खराब हुई हुई है, ट्रेनिंग वेनिंग हो चुकी है भाई साहब, मतलब धूप बहुत तेज है यार। बाहर का व्यू दिखाएं? चलो बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये हमारे कैंप साइट का बाहर का व्यू, लेके चलते हैं, साफ आएगा। मतलब जब ये नाइट में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज लाइटिंग वाइटिंग होगी और काफ़ी लोग भी होंगे यहाँ पे, गेट टुगेदर करेंगे, यहाँ प्रोग्राम होगा, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम। ऐसे आपको देख रहे हो पीछे की तरफ मेरे कैमल राइडिंग कर रहे हैं लोग पीछे ही। और दिखाते हैं, और दिखाते हैं, और ले आते हैं, तारों के नीचे से जाएंगे हम। देख रहे हो फुल बंजर जमीन, ये सारी रेगिस्तान है चारों तरफ। मतलब यहाँ तक पहुँचने में ये मतलब जैसे हम जहाँ हमारा होटल था मरीना महल, सो वहाँ से 30 किलोमीटर पे ये लोकेशन है टेंट की, और टेंट का नाम है एक्सोटिक टेंट हाउस। सो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, और मैं यहाँ पे नीचे डिटेल्स भी डाल दूँगा, अगर आप कभी यहाँ आते हो तो आप बुक भी कर सकते हो यहाँ पे। और टेंट्स की पैकेज का डिटेल्स बताऊँ तो मतलब हमें पर पर्सन पड़ा है 1300 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आपका इंक्लूड रहेगा डेजर्ट सफारी और कैमल राइडिंग ऑल्सो, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ, और रात को कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ पे, फोक डांस जैसे मतलब राजस्थानी डांस होता है, मतलब बहुत कुछ है मतलब आज करने के लिए, और पूरा दिन पड़ा हुआ है। सो हम यहाँ पहुँचे हैं, 2 बजे पहुँचे थे, और 4-4:30 बजे का प्लान है कि डेजर्ट सफारी जाएंगे, और उसके बाद कैमल राइडिंग है, सनसेट व्यू है, बहुत कुछ है मतलब यार, फुल दिन मतलब पूरा दिन बिजी जाएगा। और फिर रात को अपना कल्चर प्रोग्राम, और थोड़ा एंजॉय करेंगे, फील करेंगे इस जगह को। और बताएं गर्मी, मतलब अभी तो थोड़ा बहुत ये है कि हाँ थोड़ी बहुत गर्मी है, बट रात को थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम काफ़ी, जैकेटें जुकेटें निकालनी पड़ेगी बड़े बड़े। सो अभी के लिए तो करते हैं, जब जाएंगे डेजर्ट सफारी तो आपको वहाँ दिखाते हैं आगे का अपडेट। ओके तो चलो जुड़े रहना साथ में। ओके रेडी डेजर्ट सफारी के लिए भाई लोग, कितना टाइम लगेगा तुमको? और है भाई नाम करम भाई, सेट हो रहे हैं सर, तो अभी उसका दिखा दो जरा हो रहा है, जब वो अपने सेट हो रहे हैं। आए वेरी जान पग पुग पा के घूम फिर के, यार पता तो लेट हो रहे हैं भाई, थोड़ा टाइम हो गया लेट, 4:30 बजे का टाइम था। और कितना टाइम हो रहा है मैं तो अभी 5 बज गए, बताओ यार बहस किया, सनसेट वनसेट सब निकल जाएगा, मतलब टाइमिंग की बहुत दिक्कत हो रही है यार अपना मैनेजमेंट की यार, पता नहीं क्यों। पहले बिल्कुल पूरा सेट करके चले थे इतने बजे तक, ये वो ही है ना कुछ सही बैठता ही नहीं है मतलब टाइम, पता नहीं कब तक चलेंगे। बाकी देखो आज सब फुल तैयार वैयार हो गए, निकल रहे हैं बस। मजा बांध दिया भाई, जो राइड का जो भाई साहब झटके दिए ना, अब मैं भाइयों का शूट ले लेते हैं कम से कम। यो
यो आ रहे हैं दोबारा, डिमांड आई है। दो दो होता है हम क्या भाई कैमल का ऊंट का ऊंट का भाई लोग सबके सब देख रहे हो क्या चल रहा भाइयों सब बढ़िया लौंडो सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया पकड़ पकड़ छोड़ दे तो भाई शिमला पे घोड़े पे जैसलमेर पे ऊंट पे आए भाया ऊंट पहाड़ के नीचे कतई जहर था काम पैंती काम पैंती बंदा लेंती सही में ये देखिए सबको यार मतलब एक अलग ही मजा आता है यार और ये मैं सुन के चाहिए मैं
भाई लैंड करा दे भाई, 200 एक्शन ले ले भाई, लैंड करा दे भाई, 200 एक्शन ले ले भाई, लैंड लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे पक्का, लैंड करा दे भाई, मैं हो रहा लैंड को ओ देखो भाई लो वहां मजा करते हुए, ओए 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 मैं था काम डाल लिया था काम, हो बढ़िया था भाई, समझ गया ना, हाँ 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 वही तो तभी तो कह रहा हूँ, हमारा हो गया आज का डेजर्ट, जो भाई ने मजा मांगा है ये है भाई, हो भाई ने जो किया ना आज काम सॉलिड ब्रो सॉलिड, काम 35 कर दिया भाई आपने, बाल उड़े धूल ऐसी है, कहां कहां से ट्रिक नहीं मारी भाई ने, ये थी हमारी गाड़ी आज की शाम आप परदेशी मेहमाना के नाम वेलकम सॉन्ग किसरिया बालम आवनी पधारो महारे देश, सोना दिया सोनार को, चिराग भाईजान आपने सोना दिया सोनार को, पायल बना दिया, दिल दिया चिराग भाईजान आपने एक हसीना को, एक हसीना को आपको घायल बना भाइयों, मतलब आज का दिन मतलब फुल ऑफ एंजॉय रहा, डेजर्ट सफारी एंजॉय करी और कैमल राइडिंग एंजॉय करी, क्यों भाइयों? बिल्कुल भाई, बढ़िया करी करी एकदम एकदम बढ़िया वाली, खाना यहाँ तक खा लिया, अलग तक भर गया भाई साहब, ये प्लेट प्लेट तक पड़ी है, थोड़ा बहुत बच गया और सब कुछ खत्म कर दिया, और रूम देखो पूरा मैस ही हो चुका है भाई साहब, कत ही मैस ही हो गया पड़ा, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, हम पत्ते पत्ते खेल रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे मत समझना कि हम ऊपर लेवल खेल रहे हैं, बट हम भाई ऐसे खेलते हैं नॉर्मल टाइम पास के लिए, ओके जी, तो अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रखेंगे, चलो जी मिलते हैं फिर, बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हाय मेरी जान, चलो ओके जी, टेक केयर, गुड नाइट, चबा गया।